हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन विवाद पर एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सैनिक अब फिंगर फोर पर भी पहुंच गए, जहां वे चीनी सैनिकों से आई टू आई बॉल कांटेक्ट में हैं। यानी एकदम आमने सामने। कुछ दिन पहले ही भारतीय सेना ने कहा था कि पेंगोंग लेक के उत्तर में सैनिकों की तैनाती को रीएडजस्ट किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फिंगर फोर पर भारतीय चीनी सैनिक अब आमने सामने हो गए, यानी तनाव बढ़ने की स्थिति में इसे भी देखा जा सकता है। पेंगोंग लेक के फिंगर फोर एरिया पर जहां अब तक कोई नहीं था, जहां पर कोशिश ये हो रही थी कौन बढ़त बना ले, वहां पर अब भारतीय सेना भी पहुंच चुकी है और दोनों आमने सामने है, ये एक बड़ी बात। देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। पेंगोंग झील का जो उत्तरी इलाका है, जो आपको पीली रेखा दिख रही है वो भारतीय इलाका है, जो लाल रेखा दिख रही थी वो चीनी इलाका है। लेकिन चीन फिंगर फोर पर आकर, कुछ समय पहले जब गलवान घाटी का संघर्ष हुआ उस समय चीन यहां आकर बैठ गया था। इसके बाद से भारत लगातार गलवान घाटी के संघर्ष के बाद लगातार जो बातचीत हो रही थी सैन्य स्तर पर, उसमें ये सहमति बनी कि चीन यहां से पीछे हटेगा। लेकिन चीन जब पीछे नहीं हटा तो उसी दौरान भारत ने पेंगोंग झील के साउथ दक्षिणी हिस्से पर कब्जा किया, ब्लैक माउंट ब्लैक टॉप पर जाके बैठा। और इसी दौरान कल जो खबर आई है कि पेंगोंग झील के जो उत्तरी इलाका है उसमें फिंगर फोर पर जहां चीन बैठा हुआ था, भारतीय सैनिक भी वहां पहुंच गए और अब सैनिक आमने सामने हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत हैं, सीधे लेह से जुड़ रहे हैं। नीरज, लग रहा है कि भारत लगातार अपने आप को एग्रेसिव रुख की ओर ले जा रहा है और जो बातचीत आज होनी है भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच, वहां पर इसका बहुत जबरदस्त मनोवैज्ञानिक लाभ मिलेगा। बिल्कुल विकास, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये 29 और 30 अगस्त की रात को ही इस तरह का रीएडजस्टमेंट किया गया था, लेकिन उस वक्त ये बात नहीं आई थी सामने कि फिंगर फोर पर भी भारतीय सेना पहुंच चुकी। अगर विकास आपके पास समय हो तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इधर दाई तरफ की पहाड़ियां दिखाएं। जो फिंगर एरिया का अगर पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ठीक वैसे ही पहाड़ आपको यहां पर दिखाई देगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूं, मेरे कैमरामैन दिखाई देंगे। ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं आपको, ये दरअसल फिंगर्स की तरह ही है। पेंगोंग सो लेक के करीब जो फिंगर एरिया है उस वहां पर भी इसी तरह से पहाड़ी है, फिंगर 1, 2, 3, 4 इस तरह की पहाड़ियां हैं। और जो फिंगर 4 पर जो चीनी सेना थी वो 5 और 6 मई को आके बैठ गई थी, लेकिन अब 29 और 30 अगस्त की रात को, क्योंकि बातचीत के जरिए चीनी सेना मान नहीं रही थी, अब भारतीय सेना भी फिंगर 4 पर पहुंच गई है। क्योंकि भारतीय सेना का कहना है कि आपको कम से कम फिंगर 5 के पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन चीनी सेना मान नहीं रही थी, इसीलिए इन फिंगर 4 पर जाकर भारतीय सैनिक जो है वो जाकर उन्होंने वहां पर अपनी पोजीशन बना ली है, ताकि अगर चीनी सेना पीछे नहीं हटती है तो फिर आगे की रणनीति जो होगी वो हालांकि बताया नहीं गया, लेकिन मान सकते हैं कि बदलाव आ सकते हैं फिंगर एरिया में भी जो डिप्लॉयमेंट है दोनों देशों की सेना की। बहुत शुक्रिया आपका नीरज, आसान भाषा में दर्शकों के सामने आपने पूरी तस्वीर रख दी और इन पहाड़ियों के जरिए दरअसल आप पूरा जो लोकेशन है वहां का वो भी समझ सकते हैं और जो हालात इस समय है वो भी समझ सकते हैं।